नमस्ते, या ठिकाणी आपण जमलेलो आहोत. माझ्यासोबत आहेत रिझवान टेकू आणि भाऊ थोरात. आपण या ठिकाणी गुल्लू सय्यद यांच्या वाढदिवसासाठी या ग्राउंडवर जमलेलो आहोत. आपण जाणता की गुल्लू हे खूप मोठे क्रिकेटर आहेत. वयस आज त्यांची 50 पूर्ण होतीये. ते 50 वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यांचा एकंदरीत क्रिकेटचा अनुभव पाहता क्रिकेटचा टार्झन म्हणून आंबेगाव तालुक्यात ओळखलं जातं. पचास साल हो गए गुल्लू को, लेकिन बैट पकड़े आई नहीं कभी. और कैच तो कभी पकड़े नहीं. हाँ, बॉलिंग जो थी उनकी, वो उनको भगवान की देन थी. और वो एक गुडलैंड टप्पा था उनके पास, वही वो कभी भी डालते. और ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़े हिटर है. हमारे यहाँ सुनने में आया कि उनके बैटिंग के दम पर उन्होंने इतनी सारी पारियां की. बेले के ग्राउंड में उन्होंने 5 बॉल में 5 छक्के मारे. नहीं, ये गलत बात. 5 बॉल में 5 छक्के नहीं, 5 बॉल लगातार उन्होंने खाई. मैं आप शायद एक महान बल्लेबाज की हैसियत से अगर देखा जाए दिल्ली की तरफ, तो वो बल्लेबाज थे ही नहीं. वो खाली बॉलिंग थी. वो भी ऊपर से उनको भगवान ने उनको एक टप्पा दिया था गुडले. जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो हमारे वो साथ उनका जो एक्शन था, वो एक्शन इतना हटके था क्या खिलाड़ी को समझ में नहीं आता था. पूरे वर्ल्ड में एक नंबर एक्शन था. मैंने आप इधर टप्पा ही रहेगा क्रिकेट में नाम आता था. बॉलर को पता है, बैट्समैन को पता नहीं था. आप बोल रहे हैं लेकिन उनका एक फुल टॉस का एक ऐसा हथियार था. फुल टॉस करके उनको मार्केट में बेचते हैं. मार्केट में उनको नाम कैसे गिरा, मतलब गुल्लू फुल टॉस कैसे होते. वो शर्ट काट के बॉलिंग डाल लेंगे ना बंजे, तो बैलेंस गलत हो जाएगा उनका, तो डायरेक्ट फुल टॉस. उसने कभी टी शर्ट नहीं पहना. टी शर्ट बॉलिंग पे क्रिकेट के लिए इतना त्याग, मतलब बलिदान. मैंने सुना उन्होंने एक उंगली कुर्बान कर दी क्रिकेट के लिए. उंगली टूटी खून बहे. आप उनके बड़े होने के बाद कितने साल से आप उनके साथ. मैं 99 से उनके साथ. तो आपने क्रिकेट छोड़ दिया, वो अभी भी क्रिकेट में. आपको निकाला गया टीम से या नहीं, निवृत्ति जाहिर कर दिया. काम वो क्यों नहीं छोड़ा, उनकी जीत का कुछ जीत क्यों है उनमें. इतना लगा, कभी कभी धंधा बंद करके दिया. वो पागल है क्रिकेट. कितने दीवाने हैं क्रिकेट में. उन्होंने कहा कि आज तक महाराणा को बहुत बार हराया. स्वप्निल बाबा को तो उन्होंने दिन में तारे दिखाए बोल के. नहीं, ये तो झूठ है. क्रिकेट का तारे स्वप्निल बाबा ने उतारे तारे. ऐसे हमें कहा गया है कि दिन में तारे दिखाई दिए सर बाबा को. ये बात गलत है. स्वप्निल बाबा ने उसको बहुत धोया है. जब बाबा बैटिंग को आने का तो उसकी गर्दन आड़ पकड़ जाने खाना धो लेगा. और सीख जाते रहे तो खाने में दर्द आने का, और कैच लिए तो उड़ा मारने. कितने टूर्नामेंट जीते हालांकि आपने. बच्चों तो जीते रहेंगे. आप उनके साथ तो आप तुम्हारा नाम खेलते थे. हम उनके साथ ही खेले हैं, दोस्ती में खेले हैं, उनके साथ ही खेले हैं. हाँ, लेकिन उनको इतने साल क्रिकेट खेला लेकिन उनको फील्डिंग लगानी है. ये उनकी ये रही मजबूरी रही. और जो आज तक आपने बोल रहे 40-50 जीते, तो उसकी ट्रॉफी का क्या हुआ. एक ट्रॉफी एक बख्शीश भी नहीं दिखता है आजकल के नौजवानों को. दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. ट्रॉफी का पहले जो जमाने में जो मट्टी की दीवार आने की, तो उसकी पेंट मारने के लिए सब सामान एक जगह लेने के. मतलब आज क्या दिखाएंगे, क्या आप नौजवानों को क्या मैसेज होगी. ये अभी 50 साल हो गए अभी तक मैचेस लोगों को दो. क्या देना चाहिए, मतलब लोगों ने इतने साल तक क्रिकेट खेलना चाहिए. हमको बोला है उनको तुम्हारा निवृत्ति जाहिर करो, मान रहे हैं. और ये जो आज लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे भीड़ जमा हुई है, ये लाखों की तादाद में है जो आपको भीड़ दिख रही है, उनके बारे में क्या कहना. ये सब
आप ये इनका प्यार है यार, प्यार है लोगों का, प्यार लोगों का प्यार है गुल्लू भाई के लिए। मुझे लगता है ये सब जरूरी था, इतना सब कुछ उसके प्यार की वजह से सब। उसके एक आधे काबिल बैट्समैन है, इतना खर्चा हुआ है उसके काबिल है कि ये बैट्समैन अभी आप आज ही आपने बैटिंग की बॉलर, वो तो बोल रहे बैट्समैन अरे आज भी खेला ना, आज उन्होंने जो शॉट मारे लगातार ऐसे विनय के मुंह पे जैसे तमाचे मारे उन्होंने फटाफट फटाफट। गुल्लू भाई बैटिंग करा ना उसने, दिखा दिया 50 साल की उम्र में दिखा दिया। लेकिन कब तक रुकेगा ये? नहीं रुकेगा नहीं, जब तक है तब तक टाइगर जिंदा है, तब टाइगर जिंदा है यही एक बात। और टाइगर जिंदा है।